Mufti Mohammad Saeed has now gone over to the Prime Minister to address the issues of the students, 67 Kashmiri students being expelled and then slapped with a sedition charge for cheering a Pakistani team. The incident taking place this Sunday. The sedition charge being filed today against these 67 students who belong to a college in Meerut. Let's also take a listen to what the students had to say in their defense over the entire episode when talking to Fareed a short while ago. सर वहीं पे थे, वार्डन सर डंडा हाथ में लेके वहीं पे खड़े थे कि कोई ज़्यादा शोर शराबा ना हो ताकि कुछ ना हो. तो सर जो ही मैच चल रहा था सभी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब आफरीदी ने दो बैक टू बैक सिक्स लगाए तो उस टाइम सर उनके जो फेस थे वो टोटली चेंज हो गए. तो उन्हें स्टेयर करना स्टार्ट किया उस टाइम और अब्यूज़ वर्ड्स इस्तेमाल किए अबाउट कश्मीरी कि कश्मीरी ये है, कश्मीरी वो है, कश्मीरी को ये करो, कश्मीरी को वो करो. हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा कि भाइयों हमें गालियां मत निकालो क्योंकि हम ज़्यादा गालियां तो जानते नहीं है, मत आप गालियां मत दो. हमने तो कुछ किया नहीं, ये तो मैच था. हमने मैच जैसे मैच था हमने वैसे एंजॉय किया एज ए मैच ही, क्योंकि हम भी स्पोर्ट्स पर्सन है, हम भी स्पोर्ट्स खेलते हैं. तो जब उनने ऐसा किया तो सर उसी में कुछ बंदे आए, उन्होंने हमें धक्के दे के बाहर निकाला. ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था, कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया था, ना ही हमने कुछ किया, ना ही हमने कुछ करा. जो भी हुआ उधर से हुआ. वो बोल रहे हैं कि एफआईआर में लिखा है कि आप लोगों ने डैमेज किया है. अगर वो बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे, अगर हम तो खुशी में थे. डैमेज क्या करते, डैमेज तो वही करते हैं जो गुस्से में होते हैं, डैमेज तो वही करते हैं. हमने कौन सा डैमेज किया, हमने तो कुछ नहीं किया. वार्डन सर को प्रेशराइज किया मैनेजमेंट ने, उन्होंने उसका बयान बदल दिया कि बोल दिया कि तुम लोगों ने सब कुछ किया. वार्डन से सर से हमने पूछा कि उन्होंने बोला मैंने कुछ डिसीजन नहीं लिया, ये तो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया. मैनेजमेंट के पास गए, उन्होंने बोला कि वार्डन सर ने डिसीजन लिया. ये इसका मतलब प्रेशराइज तो हो गया है, वार्डन सर तो प्रेशराइज हो गया है. और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ कीजिए. हमारा कैरियर दाव पे लगा है, 2 साल हमारे कैरियर दाव पे लगे हैं. हमने कुछ नहीं किया, कोई स्लोगन्स नहीं दिए हैं, कुछ भी नहीं किया है. ना ही हम तो परदेश में थे, कश्मीर से बाहर थे, परदेश में थे, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते थे. स्टेट उनकी थी, वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ, जैसा कि उन लोगों ने किया. हमको छोड़ दिया, बीच सड़क पर छोड़ दिया 11 बजे, रात के 11 बजे. 3 दिन हम लोग बिना कुछ खाए पिए, न पैसे थे जेब में, न कुछ थे, रेलवे ट्रैक पे सोए थे एक रात में. आपने भी सुना होगा फोन पे इनके साथ जो हुआ, तो इस वक्त कोई सरकार ने कोई कांटेक्ट किया आपसे या ऐसा कुछ? और अब क्या चाहते हैं आप आगे, अब आप एज ए रिलेटिव, क्योंकि आपके सारे बच्चे हैं, इनका करियर आगे दाव पे लगा है, तो आप क्या चाहते हैं? जी पहले रही सरकार की बात, अभी तक सरकार से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला हमें. और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ की, जब जो वहाँ यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है, हाउ दे कुड यू नो, उन्होंने बच्चों को लिया ऐसे ही दिल्ली में छोड़ दिया, उनके पास पैसे नहीं थे, ये रात भर रेलवे ट्रैक पे सोते रहे. इनके साथ कुछ भी हो सकता था, इनको तो पता ही है कश्मीर को लेबल तो लगी है टेररिस्ट, इनको तो कहीं भी ले सकते थे और ऐसे टेररिस्ट ले सकते थे, इनको कहीं भी जेल में डाल सकते, फिर कौन किसको पूछता. और दूसरी बात आपने कहा कि अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इनको वापस रिहेबिलिटेट किया जाए, इनको वहाँ नहीं जाना है क्योंकि ये अनसेफ है वहाँ. ये तो हमें पता, अगर ये वापस जाएंगे कुछ भी हो सकता है इनके साथ, इनकी जान खतरे में है. तो इनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स और जो इनकी सर्टिफिकेट्स वहाँ भरी है उन्होंने, वो इनको मिलनी चाहिए. और यहाँ पे किसी कॉलेज में या कहीं और, किसी यूपी के बगैर कोई भी स्टेट हो उसमें एडमिशन मिले और ये वापस अपने कोर्स में रिहेबिलिटेट हो जाए, इनका करियर बच जाए, उनके जो ये 2-3 साल इनको जो लगे हैं इस कोर्स में वो कम्प्लीट से मतलब फुलफिल हो जाए इनका कोर्स. More coming in on the story, even as outrage grows over the sedition charge slapped against these students from Kashmir, the Vice Chancellor of the Meerut College says that students must first tender an unconditional apology before they are taken back. उसमें कुल 68 बच्चे थे, उनमें से कुछ छात्रों ने जब मैच का फाइनल हुआ तो नारे लगाए. हमने उसके लिए उनको सस्पेंड कर दिया, पहले 3 दिन सस्पेंड किया था, फिर टिल फर्दर ऑर्डर्स कर दिया.
हमसे लिस्ट ले किसके खिलाफ कायम करना चाहते हैं, कह रहे हैं वो ये पुलिस का मामला है, इससे हम क्या कह सकते हैं, हम तो यूनिवर्सिटी की बात कर सकते हैं ना, जो हमारे यहाँ हादसा वाकया हुआ हम उसके बारे में बता सकते हैं, पुलिस क्या करती है इससे, हमें ये हमसे क्यों पूछते हैं, अभी जाके आप SP से पूछिए, SSP से पूछिए। Well, a reaction also coming in from the UP police, where the DIG says only a probe will establish why sedition charges have been slapped on the students. इसमें जो उस दिन जो मैच हुआ था, मैच में जो पाकिस्तान का फेवर में कुछ लड़के जो है, जो सुभारती यूनिवर्सिटी में कई छात्र हैं जो कश्मीर से आए हुए हैं, इन लोगों ने नाराबाजी लगाया। ये नाराबाजी ये लगाया था, ये पाकिस्तान जिंदाबाद करके नाराबाजी लगाते हुए, और वहाँ कुछ जो अन्य जो छात्र है जो इधर मुजफ्फरनगर का और इस क्षेत्र का रहने वाला जो छात्र है उसको उनके साथ मारपीट भी किया था, और वहाँ जो कुछ कुर्सियों को तोड़फोड़ किया और शीशा वगैरह तोड़फोड़ किया था। इसके बाद जो VC वाइस चांसलर सुभारती यूनिवर्सिटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया, इन सभी स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दिया गया, मतलब इनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन और इनका जो सेडिशन केस आज रजिस्टर किया गया, FIR जो रजिस्टर किया गया, ये जरूरी था? नहीं, जिसमें जो FIR का जो कंटेंट है, तहरीर में जो कंटेंट है, कंटेंट के मुताबिक वही बनता है ये जो सेडिशन वाला केस जो बनता है, तो उस प्रकार के वो लैंग्वेज वो लिख के दिया है उसका, यदि इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। An Akhilesh's government's decision to slap a sedition charge on the 67 students who cheered Pakistan's victory in Sunday's cricket match has caused a huge political showdown. Omar Abdullah condemning the decision, asking it to be taken back. Meanwhile, the Union Minister Gulam Nabi Azad shifting onus on Akhilesh's government. Well, it's a very sensitive issue, and unless we have heard that police has slapped this sedition charges on them, but ultimately it is the state government, because the police level and SHO level, they are not the final authority. The final authority is the state government, where they are going to agree with the police, and I am sure that the state government, they will verify this. So even otherwise, it's a very sensitive issue, and I am sure that the state government will handle this issue with great care.